अनुसूचित जाति बैंक और जाति में उसके बेटा बेटी को हजार खर्च किया जाता है और इसी जैसे हर जाति के गरीब के बेटा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस नाते भारतीय समाज पार्टी चाहती है इस देश में आपकी आधार हर जाति के गरीब के बेटा को आरक्षण मिले। ये भारतीय समाज पार्टी का पहला उद्देश्य है। इस उद्देश्य से प्रभावित होकर के मैं 27 अक्टूबर 2003 को मैं सोनीपत का मैदान में भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किया और अनुरोध करना चाहती हूँ हिन्दुस्तान के अंदर से कम 5-6 राज्यों में जाकर के भारतीय समाज पार्टी के मिशन से बताने का काम किया। भारतीय समाज पार्टी अब क्या चाहती है? भारतीय समाज पार्टी का उद्देश्य है पूर्वांचल राज्य की स्थापना कराना। हम क्यों पूर्वांचल चाहते हैं? हम पूर्वांचल की बात क्यों करते हैं? इस नाते भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल राज्य की स्थापना कराना चाहती है। इस नाते इसी उत्तर प्रदेश से लगभग 2000 की घटना है साथियों, 2000 की घटना है। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे। इसी उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ। एक मेरा भाई अलग होता है, आज से लगभग 17 साल पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश से अलग होता है जिसका नाम उत्तराखंड रखा जाता है। अगर इस देश में लगभग 7 करोड़ की आबादी पर अगर उत्तराखंड जैसे राज्य बन सकते हैं, अगर इस देश में मध्य प्रदेश से 7 करोड़ लगभग 3 करोड़ की आबादी पर अगर 36 करोड़ बन सकता है, अगर इस देश में बिहार से 7 करोड़ अगर लगभग 3 करोड़ की आबादी पर अगर झारखंड बन सकता है, अगर इस देश में आंध्र प्रदेश से 7 करोड़ 3 करोड़ की आबादी पर तेलंगाना बन सकता है, उत्तर प्रदेश से आबादी 22 करोड़ होने जा रही है, उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ होने जा रही है। और जिस हम पूर्वांचल की बात करते हैं उस पूर्वांचल की आबादी 6 करोड़ होने जा रही है, 6 करोड़ होने जा रही है। हम पूर्वांचल के 27 जिले में है जिसमें जो कुछ पिछड़ा है, मिर्जापुर इस 27 जिले की आबादी लगभग 6 करोड़ होने जा रही है। अगर इस देश में 1 करोड़ की आबादी और 2 करोड़ की आबादी पर अलग प्रदेश बन सकता है, तो अलग प्रदेश से 4 करोड़ 6 करोड़ की आबादी वाला पूर्वांचल अलग कर दिया जाए। ये भारतीय समाज पार्टी चाहती है, ये भारतीय समाज पार्टी का उद्देश्य है। हम तो पूर्वांचल चाहते हैं, हम पूर्वांचल में 2 जगह की दिल्ली पैदा करते हैं, हम 2 जगह की दिल्ली पैदा करते हैं। एक आजमगढ़ के बगल में अम्बेडकर नगर जिला है, टंडा में बिजली पैदा होता है और मिर्जापुर के बगल में सोनभद्र जिला है। दोनों जगह मिला के 12,000 मेगावाट बिजली पूर्वांचल में, 12,000 मेगावाट बिजली हम पूर्वांचल में पैदा करते हैं और वह बिजली पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 10 जिलों में 24 घंटा बिजली दिया जाता है। आप गाजियाबाद जाओ 24 घंटा बिजली, आप नोएडा में जाओ 24 घंटा बिजली, आप इटावा मैनपुरी में जाओ 24 घंटा बिजली, आप मेरठ में जाओ 24 घंटा बिजली, आप बागपत में जाओ, आप हापुर में जाओ, आप अहमदाबाद में जाओ, सहारनपुर में जाओ, सामने में जाओ, आप रायबरेली में जाओ, 24 घंटा बिजली रहती है साथियों, 24 घंटा बिजली। लेकिन आज हम लोगों के बीच में खुद पता कर लीजिए साथियों, आज भी 10 से 12 घंटा 13 घंटा बिजली हम लोगों को मिलता है साथियों। सरकार का आदेश क्या है, सरकार का सिस्टम क्या है, उससे मतलब नहीं यहाँ का सिस्टम है कि 12 से 13 घंटा हम लोगों को बिजली नसीब होता है। लेकिन साथियों जिस दिन पूर्वांचल अलग होगा, जिस दिन पूर्वांचल अलग होगा उस दिन हमारे हिस्से में 3,500 मेगावाट बिजली हम लोगों को मिलेगी और 3,500 मेगावाट बिजली अगर पूर्वांचल के लोगों को दिया जाएगा तो पूर्वांचल के 2700 जिलों में 24 घंटा बिजली रहेगी, 24 घंटा बिजली रहेगी। अगर 24 घंटा बिजली पूर्वांचल में रहेगी तो इस देश का उद्योगपति धीरू भाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, हिंडाल्को हो, दानिया हो, आकर के हमारे पूर्वांचल में उद्योग लगाएगा तो हमारे और आप जैसे नौजवानों को राज ठाकरे का मान खाने के लिए बंबई नहीं जाना पड़ेगा। इस नाते हम पूर्वांचल चाहते हैं, ये भारतीय समाज पार्टी का उद्देश्य है। इस उद्देश्य से प्रभावित होकर के मेरे जैसा नौजवान आज लगभग 15 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और 15 साल के विचारधारा को इसी तरह साथियों कुछ समय पहले यही पूजा वर्मा अपनी बेटी संसार को आई, पार्टी का मैंने फैसले पढ़ा, कहा कि भैया
हम भी काम करेंगे, हम लोग भाई आओ काम करो, काम करो। आज इसलिए से, आज इसलिए से भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण लागू हो, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। इसका पेशा थी इस नाते आज यही लोग हमने हम लोगों को पैदा किया कि आज हम लोग शेष की तरह हमने का काम करते हैं, और जब इससे की बात आती है तो हम लोग पैमानी करने के लिए कर जाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पैमानी नहीं होगी। भारतीय समाज पार्टी का मेरा प्रश्न है कि महिलाओं को 50% आरक्षण इस देश में लागू किया जाए। इस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं, इस व्यवस्था में भारतीय समाज पार्टी लगी हुई है। और काम चाहते हैं भारतीय समाज पार्टी चाहती है साथियों, भारतीय समाज पार्टी चाहती है, क्या चाहती है कि जापान और जर्मनी के तर्ज पर इस देश में भी तकनीकी शिक्षा व्यवस्था लागू हम कराना चाहते हैं। हम तकनीकी शिक्षा व्यवस्था लागू कराना चाहते हैं। क्यों हम क्यों तकनीकी व्यवस्था चाहते हैं साथियों? कक्षा 3 से ही इस देश में तकनीकी शिक्षा व्यवस्था अगर लागू हो जाता है तो हमारे बच्चे पढ़ करके कहीं बेरोजगारी के लिए परेशान नहीं होंगे, कहीं भी जाकर के दुकान खोल करके रोड खोल करके तकनीकी शिक्षा में टेप बनाना, रेडियो बनाना, ट्रांजिस्टर बनाना, तमाम काम होता है साथियों 100 विषय है तकनीकी में। जिस दिन यह व्यवस्था लागू हो जाएगी उस दिन हमको और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भारतीय समाज पार्टी की सोच है, भारतीय समाज पार्टी का उद्देश्य है। और साथियों और क्या कहना है आप लोगों के बीच में साथियों, आप अपनी बड़ी गलती में बहुत बड़े हो, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं भारतीय समाज पार्टी का पांचवा उद्देश्य है, भारतीय समाज पार्टी चाहती है 27% आरक्षण का बंटवारा चाहती है। आप लोगों को मालूम होगा बीपीसी मनमंडल कमीशन लागू करके 1989 में साथियों 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को दिया गया साथियों, मतलब 100 करोड़ की भर्ती होती है तो 27 करोड़ पिछड़ी जाति का देता होता, 100 सिपाही की भर्ती होती है तो 27 पिछड़ी जाति का देता सिपाही होता है, 27 डॉक्टर होता है, 27 मास्टर होता है। लेकिन आज 27 साल से आरक्षण चला, 27 साल से आरक्षण चला, 27 साल से आरक्षण चला, राजभर का बेटा नहीं पाया, पहली का बेटा नहीं पाया, बिंद का बेटा नहीं पा रहा है, मंगा का बेटा नहीं पा रहा है, प्रजापति का बेटा नहीं पा रहा है, पाल का बेटा नहीं पा रहा है। इसलिए साथियों, इसलिए 27 साल से जो आरक्षण का बंटवारा हुआ 27% का, आज इसलिए इसलिए साथियों 2-4 मजबूत यात्रा उसका लाभ उठा रही है। आपके बेटा के नाम पर, आप लोगों के नाम पर दूसरे से बेटा को सिपाही बना दिया जाता है बैकवर्ड जाति को, लेकिन वो लाभ आपको नहीं मिलता है, आप उसकी लड़ाई लड़ो। अगर लड़ाई नहीं लड़ते हो साथियों, भारतीय संविधान में लिखा गया है 27% आरक्षण का, तो फुट का बेटा सिपाही बनेगा, दो रामभर का बेटा बनेगा, दो कोयली का बेटा बनेगा, दो मंगा का बेटा बनेगा, दो पाल का बनेगा। इस तरह 27% आरक्षण का बंटवारा किया गया है। लेकिन इस देश के सम्मान, इस देश के सरकार आरक्षण घाट करके तो चले गए, इस देश के लोग बीपीसी ने दिया, लेकिन आज जो उचित जिसका हक होता है वो 27% का लाभ नहीं मिल पाता है। आप चले जाओ किसी थाने में, मैं तो पालन का देता हूँ, हमको हिस्सा नहीं चाहिए, और मेरा हिस्सा अगर बलिया में आएगा तो कुछ कहीं भी ब्राह्मण का हिस्सा जुटते हिस्सा जा रहा है, आपके साथ सही हो रही है, आपके साथ जिंदगी हो रही है। अब साथियों इस गंदगी के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप आगे नहीं चलोगे, तो इस देश में ऐसे भी लोग हैं साथियों तो आपको दबा करके मारने का काम करेंगे। लेकिन अगर आवाज उठा दिया तो किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे पदाधिकारी के साथ कोई छेड़छाड़ कर। भारतीय समाज पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ती है। आओ साथियों सनातन को लेकर के माननीय नेता जी ने पिछले महीने 30 जून को 30 मई को कार्यक्रम हुआ था महिला सम्मेलन के माध्यम से, हम लोगों ने संदेश दिया कि अगर इसी देश में अगर बिहार में कानून हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी कानून होना चाहिए। एक रात माताएं और बहनों में भी आई थी,
तो साथियों एक टीचर की बात नहीं, अगर भारतीय समाज पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के साथ कोई भी दिक्कत और परेशानी होगी तो भारतीय समाज पार्टी खड़ी रहेगी। इसलिए आप लोगों के बीच में हम लोग रहते जा रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि किसी के साथ अत्याचार न हो, किसी के साथ अत्याचार न हो। जब भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ उस समय तय हुआ कि 27% आरक्षण का बंटवारा तीन कैटेगरी में किया जाए। तीन कैटेगरी में एक हजार लोगों को लाभ होगा कि भाजपा सिंह जी की सरकार चल रही थी उसी समय आरक्षण का बंटवारा की शुरुआत राजनाथ सिंह जी ने किया, लेकिन तब तक उनकी सरकार चली गई तीन रूप में हम चाहते हैं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण का बंटवारा तीन भागों में किया जाए, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग। मतलब कि पिछड़ा वर्ग जो इस देश में पिछड़ी जाति के लिए हिस्सा पा चुके हैं, जिनके बेटा बेटी राष्ट्रवादी जनता सीधा करने फल चुका है, ये पिछड़ा वर्ग में हमें ऐसा दिया उनको 5% आरक्षण इस देश में दिया जाए। अति पिछड़ा वर्ग जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा पाए हैं, 1.8% जिसका बेटा बेटी राष्ट्र बाबू चपरासी हुआ है, ये अति पिछड़ा वर्ग में आता है। सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग जो आज तक इस देश में जिसका बेटा बेटी राष्ट्र बाबू चपरासी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया है, उसको 15% इस देश में अलग से व्यवस्था उनके लिए दिया जा जाए। हम अलग से थोड़े बढ़ रहे हैं, हम 27% का बंटवारा चाहते हैं, 15%, 7% और 5% गलत कर दो। और जिसका बेटा व्यक्ति शिक्षा चलाने में पीछे जा रहा है, जब अलग कर दोगे साथियों तो अपना हक दिशा अधिकार कहा जाएगा। इस व्यवस्था को हम इस देश में लागू कराना चाहते हैं, इस उत्तर प्रदेश में लागू कराना चाहते हैं साथियों। इस नाते आप लोगों के बीच में साथी मैं कहना चाहता हूँ कि मजबूती से लड़ाई से लड़ो, अगर लड़ाई से नहीं लड़ोगे तो कभी भी आपका बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ेगा। आप लड़ाई लड़ो शिक्षा के लिए, अपने बेटा बेटी को स्कूल में भेज करके शिक्षित करो, पढ़ाओ लिखाओ। जब तक आपका बेटा बेटी शिक्षित नहीं होगा तब तक इस देश के चट्टान इस देश के परिणाम आपके साथ साथ प्रचार चलेगा, आपके साथ साथ प्रचार चलेगा। ये पूजा बनना, ये पूजा बनना जब गई बंदिया में और डीएम आरएसपी से जब बात करना पड़ा, हम लोग लोग क्या कुर्सी पर बैठे थे, ये कितनी पढ़ी लिखी है कि अपना पास खुद सब लोगों को सामने रखने का काम किया आपकी बेटी ने, रखने का काम किया। ऐसी बेटी को अपने नेता बनाओ, निकालो बैठो मत, निकालो अपने समाज से आगे बढ़ाओ। जब बढ़ा करके इस व्यक्ति को आगे करोगे तब जाकर के मोदी जी का जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास का बात होगा, सबका साथ सबका विकास का बात करने वाले उनको लोग नहीं चाहते। मोदी जी का सिचुएशन है, एक ईमानदार से काम नहीं चलेगा, ईमानदार को सुरेश के परिणाम करे हुए हैं, ईमानदार परिणाम करे हैं। एक मोदी जी ईमानदार है, चलो भाई बात समझ में आता है साथियों, लेकिन अगर मोदी जी के मिशन को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो साथियों तो उनके लोगों को सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति जो आ रही है समझ में आ जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। मैं कहा था मेरे से कुछ प्रकार बंधुओं ने पूछा, आप बताओ कुछ बात 2000 में इससे क्या होगा, मैंने कहा था पत्रकार बंधु लोगों से, मैं स्पष्ट रूप में कहा प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से कहा था, मैं 2 महीने पहले कहा अगर बीजेपी चाहती है, अगर बीजेपी यहां पर चाहती है 73 सांसद बनाना तो सबसे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हटा करके किसी बैठक के नेता को मुख्यमंत्री बनाया, 73 सरकार हुई और यहां पर नहीं बीजेपी सीट पर आ जाएगी। मैंने कहा था इसलिए कि मैं देख रहा हूँ, आप बताओ यही उत्तर प्रदेश में जब पिछली जाति का वोट लेना था तो थोड़ा साझा के लोगों को पकड़ा गया, और थोड़ा साझा जाकर बंद हुआ, उसके बाद जब पिछली जाति का वोट लेना था तो दादा सिंह से चौहान को पार्टी में मिला करके लिया गया, जब पिछली जाति का वोट लेना था तो इसी से इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को लाया गया, जब पिछली जाति का वोट लेना था तो केशव मौर्य जी को आगे करते हुए होने का काम किया, और जब केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आप लोगों को कहां चली गई,
आज बैकौर का बेटा इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठना चाहिए, उसको शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया इन लोगों ने। कहां से सबका साथ सबका विकास होगा? इस तरह के साथियों उसके बावजूद भी विकल्प नहीं है, काट दिया जाएगा, लेकिन चौबा पर वाला करता है। आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोग अपन भर रहे हैं साथियों, लेकिन आज भी गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, आज भी गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। मानवता का कोई नाम नहीं, मानवता का नाम नहीं। चले जाए सिकंदरपुर में भी बहुत सभा है, चले जाए साथी, किसी गरीब के साथ अत्याचार होता है, सभी लोग मिलकर के उस अत्याचार को समाप्त करने का काम करते हैं। कोई बात कोई पार्टी नहीं, लेकिन आज देवरिया विधानसभा में हमारी जिला उसके साथ अत्याचार, उसके साथ अत्याचार। आज व्यक्ति प्रभाव को प्रभाव की बात किया जाता है, और एक व्यक्ति जब अपनी बात कहती है तो उसको कहा जाता है कि चुप रहो, लड़कियों को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, सिद्धांत का अधिकार है बोलने का, सिद्धांत का पहले दे सकता है। इसी तरह हर गांव गांव में चौपाल लगा करके अगर सुधार नहीं हुआ, अगर सुधार नहीं हुआ माननीय विधायक जी, तो मैं चुनौती देकर के जाता हूँ, इसी तरह गांव गांव में चौपाल लगा करके हम लोग गरीबों को जगा करके हकी से अधिकार लेने का काम करेंगे। गरीबों का हक अधिकार लेने का काम करेंगे। और आज समाजवादी व्यवस्था को समाप्त करें, समाजवादी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। अगर समाजवादी व्यवस्था समाप्त नहीं हुई तो मालूम था कि 10 साल पहले वही बीजेपी की हालत क्या थी। कोई भी मुख्यमंत्री पर चुनाव करते और चुनाव में वो होते हम लोग तब आपको पता होता, लेकिन सिर्फ एक ही ईमानदार इस देश में हर भी मंदिर के जाता है। अगर कोई ईमानदार है तो उसका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज हम ईमानदार है, एक देश का प्रधानमंत्री हम लोगों को ईमानदार को मिला है। उससे नाम था जितना जीना है खाना है पीना है कर लो, उसका नाम है था आप कौन बन जाओ। तो इस वर्ष के साथियों कभी संघर्ष से भर लेना, न टूट जाने से मत भरना, लड़ाई लड़ने से मत भरना, और लोगों को सबसे बड़ी है पाल जीवन के लिए आया है। अगर आप पूजा बनना भारत से इसलिए है, न्यायपालिका ने इसलिए दिया है, हमने नहीं दिया है। आज कहते हो कि मैं न्यायपालिका को नहीं मानता, चुप रहो, उसके मोबाइल चीजें की हिम्मत आपने कर दिया। वाह, आज तक तो सबसे विधायक पैदा हुआ नहीं तो लग रहा है कि समाजवादियों के पिताजी है, तो समाजवादी व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में समाजवाद नहीं चर्चा है। मैं भी ब्राह्मण का बेटा बोलता हूँ, बहुत बहुत तकलीफ है, आप क्या समझते हैं? इस तरह के साथियों संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, हाथ पिछड़े की गरीब के लोग। अगर आप लोग, मैंने कहा था किसी से सबसे नहीं, सिर्फ अपने गांव के लोगों को बुलाओ, क्या होगा? संघर्ष करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन संघर्ष करने के लिए सबसे पहले आप लोग शिक्षित हो जाओ। आपने देखा बेटी को स्कूल में भेजो, देखा बेटी लंदन मत समझना, देखा बेटी को स्कूल में मत समझे, शिक्षित करो। जितनी बेटा बेटी शिक्षित हो जाएंगे साथियों उस दिन इस देश से हिस्सा लेने में देर नहीं होगी। बेटा बेटी को शिक्षित करो। आप मैं बड़ा मेरू तो कह रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं शिक्षा रूपी दूध भी रहा हूं, मैं शिक्षा रूपी दूध भी रहा हूं। तब आप लोगों के बीच में शेष तरह का हमने का काम किया हुआ, ऐसे अपने बेटा बेटी को शिक्षित करो। अपने बेटा बेटी लोग मत समझना, बेटा बेटी को शिक्षित करोगे तो हक अधिकार को लोग नहीं पाएगा। आज साथियों मैं चाहता हूँ, मेरी बात आप लोग कह रहे हो, मैं आगे जाना चाहता हूँ, कैसे जाओगे बताओ, कैसे जाओगे? मैं सुबह उठता हूँ अपने बेटा और बेटी को हाथ में कलम और किताब देता हूँ। आप ही नहीं उठते हो, जा बेटा जाके बकरी चला के आ, भैंस लेके जा, कहाँ से विकास होगा? एक काम भोजन कम करना मत खाना, लेकिन बेटा बेटी को स्कूल में भेज कर पढ़ाना चाहती हूँ, शिक्षित करो तब आपका हिस्सा मिलेगा। इस बात आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूँ कि आप गांव गांव का काम लगाओ, गांव गांव अपने हित में लड़ गई, जिसका जितना है कभी अगर तो लोगों को बुलाओ,
अति गरीब हर जाति के गरीब के बजाय इसलिए कि हमारे मेरे फैसले है चलिए अच्छे आपकी का था अच्छा इसका था आप किसी को बात करिए भारतीय जनता पार्टी और नहीं बोलती है एक फसल जाएगा वो हिंदू की पार्टी थी सबसे हिंदू की तरफ से एक फसल है और ये क्या हो गए हैं ये लोग भी जाति की पार्टी हो गई है ये लोग भी जाति की पार्टी हो गई कैसे चल चलेगा ऊपर भी सरकार है नीचे भी सरकार है मंदिर बन जाए तब तक देखो बनाया जाएगा बने अब तो कोई कहने वाला नहीं है और हम लोग जैसे लोग हैं तो साफ है हमारे लोगों भी कहते हैं 25 तक हमारा समर्थन रहेगा 25 तक हम लोग रहेंगे इतने लोग कहते हैं अरे बीजेपी के साथ हुआ तो आपका चार्ज विधायक जीते अरे तू जा जाते तो ही हम बात करते कर रहा 5,000-3,000 हम लोगों के साथ साथियों मैं आप लोगों के बीच में